सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में एक काफी मजेदार और काफी बड़ी आलीशान शादी हुई, वो थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की। अब आप ये तो जानते हैं कि भाई दूल्हे रणवीर सिंह अपनी मस्तानी यानी कि दुल्हन दीपिका के लिए कितने ज्यादा पागल हैं, तो वही आज हम आपको दिखाने वाले हैं इन दोनों की शादी की एल्बम, यानी कि इन दोनों की शादी से जुड़ी एक एक तस्वीर जो अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दीप वीर के बारे में। आप जानते हैं कि जब से इन दोनों की शादी की खबर सामने आई है, तभी से बॉलीवुड में एक काफी बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है सोशल मीडिया पर। एक काफी बड़ा रिकॉर्ड दीप वीर ने यानी कि रणवीर और दीपिका ने तोड़ दिया है। सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह काफी ज्यादा हैशटैग्स बनाए गए, तो वहीं हर कोई इन दोनों की शादी की तस्वीरें देखने के लिए काफी ज्यादा उतावला नजर आया था। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इन दोनों की वेडिंग एल्बम, इन दोनों की शादी से जुड़ी एक एक खबर के बारे में, एक एक तस्वीर आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में जानने को मिलेगी। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर दीप वीर की वेडिंग एल्बम पर, जिसका इंतजार फैंस पिछले काफी वक्त से कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो गया। दरअसल फैंस बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों बॉलीवुड के बेहद ही लवी डवी और सबसे बेस्ट कपल माने जाते थे। इन दोनों ने इटली के लेक कोमो में शादी रचाई है। 14 और 15 नवंबर को इन दोनों ने इटली के लेक कोमो में बेहद ही शानदार और खूबसूरत शादी की। ये शादी दो रीति रिवाजों से की गई। पहली रीति रिवाजों से यानी कि 14 तारीख को कोंकणी रीति रिवाज से शादी हुई और 15 तारीख को सिंधी रीति रिवाज से शादी की गई। आपको बता दें दीप वीर ने सोशल मीडिया पर भी एक साथ अपनी दो तस्वीरें शेयर की। एक में ये दोनों कोंकणी रीति रिवाज से शादी कर रहे थे, तो दूसरी तस्वीर में ये दोनों सिंधी रीति रिवाज में शादी करते हुए दिखाई दिए थे। और आज हम आपको दिखाएंगे इन दोनों की शादी की एक एक तस्वीर जो अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दीपिका और रणवीर ने एक साथ सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया। खास बात यह है कि दीपिका ने जहां कोंकणी रिवाज से हुई शादी की तस्वीर को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर किया, तो वहीं रणवीर ने सिंधी रीति रिवाज से हुई शादी की तस्वीर को। इन दोनों ही तस्वीर में दीपिका और रणवीर एक साथ बला के खूबसूरत नजर आ रहे हैं। दोनों ही रीतियों से हुई शादी में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सब्यसाची के डिजाइनर किए हुए कपड़े पहने थे। कोंकणी रीति रिवाज से हुई शादी में दीपिका सुनहरे और लाल रंग के कॉम्बिनेशन की साड़ी पहने हुए हैं। इसी के साथ ही सोने की पारंपरिक ज्वेलरी पहनी हुई है। वहीं रणवीर सफेद कुर्ते के साथ धोती पहने हुए दिखाई दिए। दोनों गले में लाल रंग के फूलों से बनी वरमाला पहने हुए भी नजर आए। तस्वीर में दीपिका रणवीर को देखकर मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। रणवीर हाथ में हार पकड़े हुए दिखाई दिए, तो वहीं गोद में दीपिका लाल रंग के कपड़े पकड़े हुए बैठी हुई हैं। शादी की दूसरी तस्वीर की बात करें तो इसमें भी ये जोड़ा काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आया। इस तस्वीर में दीपिका और रणवीर गुलाबी रंग के कपड़ों में नजर आए। सिंधी रीति से हुई शादी में दीपिका ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था। इसी के साथ अगर बात की जाए सिंधी रीति रिवाजों की शादी वाली, तो आपको बता दें कि इस शादी में भी इन दोनों ने लाल रंग के कपड़े पहने थे। लाल रंग की शेरवानी और लाल रंग का लहंगा दीपिका ने पहना हुआ था। इसी के साथ आपको बता दें कि दीपिका बड़ा सा मांग टीका और हाथ में लाल रंग की चूड़े के साथ कलीरे पहनी हुई नजर आई थी। शादी के पहले इस कपल ने एंगेजमेंट की सगाई और मेहंदी की ज्यादा तस्वीरों को सामने नहीं आए, लेकिन डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हुआ।
संगीत सेरेमनी की इस तस्वीर में दीपिका ऑफ व्हाइट कलर का शरारा पहने हुए नजर आई, वहीं रणवीर सिंह ने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहन हुआ था। इसके साथ ही दोनों के एक साथ डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बार बार इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है। वही आपको बता दें, शादी से पहले दीपिका और रणवीर के घर पर हल्दी की रस्म भी की गई थी। रणवीर के घर से हल्दी रस्म की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। रणवीर के घर को फूलों से सजाया गया था। रणवीर की सफेद कुर्ता पजामा पहने और तिलक लगाए दिखाई दिए। इस तस्वीर में रणवीर के हाथ और चेहरे पर हल्दी लगी दिखाई दे रही है और वो भांगड़ा कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हल्दी की रस्म से पहले दीपिका की माँ उजाला पादुकोण ने नंदी पूजा रखी थी। ये पूजा दीपिका के बेंगलुरु स्थित घर पर हुई थी। इस पूजा में दीपिका ने ऑरेंज कलर का सूट पहना था। उन्होंने कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए थे। इस तस्वीर में दीपिका के कुछ दोस्त भी नजर आए। वहीं अगर बात की जाए इटली में शादी की, तो आपको बता दें इटली की भी कई सारी वीडियो और तस्वीरें सामने आई थी। एक वीडियो सामने आई जिसमें दीपिका लाल रंग के कपड़ों में नजर आई थी और उन्हें छतरी से ढका गया था। जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि दीपिका को किस तरीके से छतरी से ढका हुआ है, तो वहीं इन्होंने अपनी शादी में कड़ी सिक्योरिटी लगाई हुई थी। आपको बता दें इन दोनों की शादी का फैंस पिछले काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो वहीं इटली से एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें शादी के दौरान यानी कि कोंकणी शादी के दौरान की वो तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में दीपिका रणवीर एक साथ छाते के नीचे नजर आए थे और कोंकणी शादी के सारे रीति रिवाजों को पूरा कर रहे थे। वहीं आपको बता दें दीपिका और रणवीर के परिवार वालों की भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसी के साथ आपको बता दें रणवीर सिंह ने अपनी शादी में काफी ग्रेट एंट्री मारी थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया, रणवीर सिंह और चौपर से दुल्हनिया दीपिका पादुकोण को ले जाने के लिए। इस वीडियो में साफ तौर पर चौपर उड़ता हुआ नजर आया था। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक चौपर उड़ रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि इसमें रणवीर सिंह ही थे और अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए वो जा रहे थे। और दीपिका पादुकोण ये दूल्हा और दुल्हन के लिबास में कितने खूबसूरत नजर आए। लाल जोड़े में दीपिका बला की खूबसूरत नजर आई, तो वहीं लाल शेरवानी में रणवीर सिंह बेहद ही हैंडसम नजर आए और दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे, ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपने देखा कि दीपिका पादुकोण की चुन्नी पर, उनकी शादी की चुन्नी पर लिखा हुआ था सौभाग्यवती भव, यानी कि एक आशीर्वाद होता है भारतीय संस्कृति में जो बड़े
जिसकी नई शादी होती है, जो शादीशुदा होती है, उनको आशीर्वाद देती हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। और आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।